आईजी हरदीप दून ने कैथल के डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में जिले के अधिकारियों की बैठक कर लॉकडाउन की स्थिति का जायजा लिया। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए आईजी हरदीप दून ने बताया कि कैथल जिले के 7 व्यक्ति दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में गए थे। इन 7 व्यक्तियों और उनके परिवार के 2 सदस्यों को आइसोलेशन में डाल दिया गया है। इन 7 के संपर्क में आने वालों का भी पता लगाया जा रहा है कि हमारे तबलीग में कल हमने चेक कराया, ये 7 आदमी गए थे। 7 आदमियों को कल हमने पकड़ा है और 2 उनके परिवार वाले भी हैं। उन सबको क्वारंटाइन में डाला, हॉस्पिटल लेके आए, उनके सबके भी हम सैंपल भेजेंगे, चेक कराएंगे कि भी क्या है क्या नहीं है। ये दिल्ली गए थे 7 आदमी। इस पे और भी काम कर रहे हैं कि वो किस किस के टच में रहे, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। ऐसा है, वो अलग अलग डेट में गए हैं और अलग अलग डेट में आए हैं, सबसे बड़ी बात ये है। और कई बार क्या होता है, इंडिविजुअल आदमी कई बार कह देता है कि मैं दवाई लेने जा रहा हूँ, मैं कोई और जा रहा हूँ, आदमी भागना भी ढूंढता है। आईजी हरदीप दून ने बताया कि इन 7 व्यक्तियों के अलावा कोई तबलीगी जमात के कार्यक्रम में गया है तो उसका भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। जिला प्रशासन को वक्फ बोर्ड और अन्य सूत्रों से ऐसे व्यक्तियों की जानकारी जुटाने के लिए कहा गया है। डीसी साहब को एक ही आदेश दिया है, डीसी साहब को भी, कि भी आप और भी ऐसी चीजें देखें, ये किसके कॉन्टेक्ट में आए हैं, इसके अलावा क्या और भी कोई तबलीग में गया हो। कई बार इंफॉर्मेशन नहीं देता आदमी वक्फ बोर्ड के माध्यम भी। आपको भी कहूंगा मैं, आपका भी कोई मीडिया का तंत्र, कहीं भी आपका कोई साथी है, वो रहे कहीं भी, आपके आप यहाँ पे के रहने वाले हो, कोई भी ऐसी चीज हो आप बताएंगे, उसको मैं क्वारंटाइन में डालूंगा ही डालूंगा। आईजी हरदीप दून ने बताया कि कैथल जिले में विदेश से लौटे 300 से ज्यादा लोगों को आइसोलेशन में डाला गया है। इनमें से 60 व्यक्ति आइसोलेशन की अवधि पूरे करने के बाद घर भी जा चुके हैं। हमने इस जिले के अंदर जो विदेश में गए थे क्वारंटाइन में, लगभग 319 आदमियों को डाला था। 60 आदमी ठीक होकर चले गए क्वारंटाइन में, उनका टाइम ठीक है और ठीक रिपोर्ट आई सारी चीजें, लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ी महामारी है। WHO ने भी इसको डिक्लेयर किया है, हमारी सबकी जिम्मेवारी है, ये एक उनका काम है। आईजी हरदीप दून ने बताया कि कैथल जिले में 17 संदिग्ध मरीजों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए थे, इन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उन्होंने बताया कि कैथल जिले की पंजाब से साथ लगती सीमा पूरी तरह से सील कर दी गई है। जो 17 आदमियों के सैंपल जो सस्पेक्टेड थे हमने भेजे थे, और आप सबकी खुशी के लिए 17 के 17 नेगेटिव आए, कि अदरवाइज ये भी एक चिंता की बात थी कि भी कोई भी पॉजिटिव आ गया तो हमारे लिए भी बहुत दुख की बात होगी। इसके अलावा हमने पंजाब की तरफ से भी हमने 7 नाके लगा रखे कि भी कोई भी आदमी आए ना, कहीं भी आए, जितने भी यहां पे इंटर डिस्ट्रिक्ट है वो 8 नाके लगा रखे, चाहे वो कुरुक्षेत्र से आने वाले हैं, चाहे वो करनाल से आने वाले हैं, चाहे जींद से आने वाले हैं, चाहे पंजाब से आने वाले हैं। आदेश आया है कि सारे जिले के हमने लगभग 50% पे तो ठीकरी पे रखकर लगा दिया है। SP साहब को आदेश दिए मैंने कि भाई ये जो बाकी भी बचे हुए हैं, टोटल 278 के लगभग गांव है, यहाँ पे 50% में लग गया है, 50% में और लगाया जाए। आईजी हरदीप दून ने बताया कि जिला प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता हर एक व्यक्ति के भोजन का प्रबंध करना है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान आने वाली शिकायतों के निपटारे पर भी जोर दिया जा रहा है। आज हमारी 22 कंप्लेंट आई, कई फूड की थी, कई हेल्थ की थी, कई जनरल थी, उन सबका निपटारा किया हमने। और हमारा एक ही मकसद एडमिनिस्ट्रेशन का, DC और SP को एक ही आदेश है कि मेरे जिले के अंदर कोई भूखा ना सो। देखिए, हर आदमी को भोजन मिले, खाना मिले, सब कुछ मिले। मैं अभी भी आप सभी ऑफिसर्स की अभी भी मीटिंग लेके आया हूँ, मैं 2 दिन पहले आया था, आते ही मीटिंग ली थी मैंने। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जिला कैथल में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में 2 शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।